ये देखो उंगली की चोट लग गई। यहाँ पे लगी। दर्द हो रहा है, दर्द। दर्द हो रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है। अभी सर से ऊंचा रख लेती हूँ, खून बंद हो जाएगा, इसलिए सर से ऊंचा है। दर्द वो तो रहा है, लेकिन क्या करे, रोना आ रहा है। गाय की बछिया को बांध रही थी और चौके से टकरा गए। जितनी तेज लगा नहीं, जितना कट गए। दो मिनट और रख लेती हूँ, ऐसे पकड़ के दबा के रखना चाहिए ताकि खून ना निकले। ठीक हो जाएगा जल्दी, ऐसे दबा के रख लो। खून का बहाव नीचे रहना चाहिए। एकदम से पसीना आ गया। ये देखो खून बंद हो गया, और ये भी नहीं पता चल रहा जा कहाँ पे लगी थी। यहाँ पे लगी है, इतना कटो रखा है। अब इस पे पट्टी बांध लेती हूँ। रोना भी आ रहा है, ऐसी भी आ रही। इसको भी धो लेती हूँ अच्छे से, इस उंगली को भी। देखिए, देखने से पता भी नहीं लग रहा कहाँ पे लगी है। ये देखो, कोई बता सकता है कहाँ पे लगी? और इतने खून निकल के आ गए, इस उंगली पे लगी है या इनमें? ये देखो, ये कटा हुआ इस साइड ऐसे। ये बीटाडीन है, ये लिक्विड वाली, और ये देसी जुगाड़ पट्टी। ये वैसी पट्टी भी है मेरे पास, लेकिन उससे वो वाली फीलिंग आएगी, पता नहीं कितनी लगी है। तो इससे फीलिंग ठीक आएगी, ज़्यादा नहीं लगी है, सब लगेगा और शाम तक ठीक हो जाएगी। अभी भी सारा काम पड़ा है। और ये बांध लिए मैंने देसी जुगाड़ वाली पट्टी।
जाके बारी लगा के वही काम बचा बस, फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल, इसके पापा भी चले गए हैं, बची हूँ मैं, मम्मी और पापा। तो ये देखो मैंने बांध लिया, ये मत सोचना कि ये कलर था, सचमुच में खून था, और बच्चिया के पास तो बहुत पड़ा है। इतनी लगी नहीं जितना मेरा खून बहा, बुरा हाल हो गया खून के मारे तो। ये देखो, और अब दर्द होना शुरू हो गया, जैसे ही दवाई लगाई है वैसे ही दर्द होना शुरू हो गया, यहाँ तक अंगूठे तक इतना दर्द हो रहा है, धीरे धीरे पूरे हाथ में हो जाएगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो चलो करते हैं काम, और हमारा टाइगर कहाँ सो रहा है ये देखो। गुड मॉर्निंग, चलना है उस घर पे, चलना है, चलना है, आ जा, चलना है तो मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगले व्लॉग में एक खुशखबरी दूंगी आपको, देखते रहिएगा, ये हो जाएगा लंबा, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी।